सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो की जानकारी के लिए। इंस्पायरिंग ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण भारद्वाज और आज की पहली टेक न्यूज़ की हम बात करते हैं। IBM ने एक ऐसी मैग्नेटिक टेप को बनाया है जो कि 330 टेराबाइट्स का डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है। टेप की साइज़ ऐसी होगी कि आप उसे अपनी हाथ की हथेली पे भी रख सकते होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसी स्टोरेज जो कि बहुत कम स्पेस लेगी। IBM ने ये सोनी स्टोरेज सोल्यूशन के साथ बनाया है और इस अगर हम टेप की बात की जाए तो जो टेप की रिकॉर्डिंग डेंसिटी होगी वो 201 GB पर इंच होगी और इसको बनाने में डेफिनेटली कई साल लगे हैं। अभी ये एक प्रोटोटाइप है तो हम देखते हैं ये स्टोरेज आगे कहाँ पे यूज़ हो पाएगी। अगली खबर भी IBM की तरफ से है। IBM ने अपना पहला मशीन लर्निंग हब बेंगलुरु में ओपन कर दिया। ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा मशीन लर्निंग के बारे में। दूसरा, अगर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो कोलैब कर सकती है मशीन लर्निंग के लिए, और जो भी जैसे डेटा प्रोफेशनल, बिजनेस एनालिस्ट, जो इंजीनियर होंगे वो IBM के डेटा साइंटिस्ट एक्सपर्ट के साथ काम कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इस पर रिसर्च कर सकते हैं। मोटोरोला ने अपना मोटो G5S एंड मोटो G5S फाइनली लॉन्च कर दिया। ये फ़ोन अभी ग्लोबली लॉन्च हुआ है, अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। अगर हम मोटो G5S की बात करें तो इसमें आपको स्क्रीन 5.2 इंच की मिलेगी। इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो सेम स्नैपड्रैगन का 430 दिया गया है और इसकी जो बैटरी की बात करी जाए वो पहले से थोड़ी सी बेहतर है, 3000 mAh। ये 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ आता है। इस बार मोटो ने इसमें हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया है। इसके अंदर जो OS मिलेगा वो आपको एंड्रॉयड का 7.1 नोगल्ट मिलेगा। अगर हम इसमें जो मेन इम्प्रूवमेंट की बात करें वो इसमें पीछे का 16 MP का कैमरा दिया गया है जो कि सिंगल LED फ्लैश के साथ आता है। फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा मिलेगा और इसके साथ भी एक LED फ्लैश दी गई है। अगर हम मोटो G5S प्लस की बात करें तो उसके अंदर भी जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 625 ही मिलेगा। बैटरी उसके अंदर सेम आपको 3000 mAh होगी। इसमें जो मेजर इम्प्रूवमेंट है वो ये है, जो पीछे की तरफ है उसमें ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 2 13 MP के सेंसर दिए गए हैं और इसको आप इसमें जो आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे वो 4K वीडियो तक की रिकॉर्डिंग कर पाओगे। फ्रंट में आपको जो कैमरा दिया गया है वो इस बार अपग्रेड कर दिया गया है 8 MP का। तो इसमें जो मेन इम्प्रूवमेंट मुझे समझ में आया वो कैमरा के टर्म्स में आया है। ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च कब होगा इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सितंबर एंड या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में आ जाए। आज की आखिरी टेक न्यूज़ की अगर बात की जाए तो ब्लैकबेरी ने Qwen नाम का फ़ोन लॉन्च किया जो कि एक लिमिटेड एडिशन फ़ोन है। ये एक Amazon एक्सक्लूसिव फ़ोन है। इस फ़ोन की जो सेल होगी वो स्टार्ट होगी 8 अगस्त से। फ़ोन का जो प्राइस है वो 40,000 है। ये पहला ब्लैकबेरी का ऐसा फ़ोन है जो कि ड्यूअल सिम 4G सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा। ये जो फ़ोन होगा इसमें जो स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर है वो यूज़ हुआ है। ये फ़ोन आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ मिलेगा। फ़ोन की जो बैटरी है वो 3500 mAh है। ये कॉलकॉम 3.0 टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। यह आपकी फ़ोन को 50% चार्ज कर देगा रफली 36 मिनट्स में। अगर हम इसमें कैमरा की बात करें तो इसमें जो कैमरा यूज़ किया गया है वो 12 MP का कैमरा है जो कि सोनी IMX378 सेंसर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा मिलेगा विद फ्लैश। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन आपको मिलेगी 4.5 इंच की स्क्रीन और नीचे कीज़ होगी जिसमें जो स्पेस बार है वो फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ इंटीग्रेटेड है। इस फ़ोन में आपको नोगेट मिलेगा और इसमें ब्लैकबेरी की खुद की सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी होगा। और अगर हम इस फ़ोन के अंदर और जानेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स, नेविगेशंस मिलेंगे जिसमें एक कूल फीचर ब्लैकबेरी का ये है कि ब्लैकबेरी हब जिसमें आप अपने फेसबुक, ट्विटर, ईमेल सब एक साथ पढ़ सकते हो, देख सकते हो एक ही ऐप के अंदर। तो फिर बस आज की टेक न्यूज़ को हम यहीं समाप्त करते हैं।